हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन ट्रैकिंग नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं एक फिटनेस ट्रैकर के बारे में, एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर जो फास्ट्रैक ने लॉन्च किया, जिसका नाम है रिफ्लेक्स वेव। और ये बनाया है इन्होंने क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ काम कर। और यहाँ पर आते हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है जेस्चर कंट्रोल, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक को, कॉल्स, प्रेजेंटेशन और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली मिली जाएगा एक फिटनेस ट्रैकर जो है एक्टिविटी ट्रैकर, कॉल्स, टेक्स्ट के अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे, सिटी वेदर अलर्ट्स और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाते हैं। प्लस इसके अंदर आपको मिल जाता है एक OLED डिस्प्ले और यहाँ पर आपको मिलता है सपोर्ट एंड्रॉयड का और iOS का। यहाँ पर इस वीडियो में हम कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा इस बैंड का, प्लस आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अनबॉक्सिंग की, फिर आपको दिखाते हैं इस बैंड के सारे फीचर्स। अगर हम बात करें पैकेज कंटेंट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको मिल जाता है जेस्चर कंट्रोल, एक्टिविटी ट्रैकिंग और IP6RWR रेटिंग, अल्ट्रा स्लिम 9mm की डिजाइन है और एक OLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है। चलिए हम करते हैं इस पैकेज की ओपनिंग और सबसे पहली चीज हम जो मिल जाती है वो है एक स्मार्ट ट्रैकर और एक प्रोप्राइटरी केबल जिससे हम इस बैंड को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड और एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट। चलिए अब हम देखते हैं इस बैंड को। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे तो इस बैंड की आपको बहुत ही स्लीक डिज़ाइन मिल जाती है और इसका थिकनेस है सिर्फ 9mm का। और इस बैंड को यूज़ करने से पहले आपको इसको पेयर करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन के साथ और यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिफ्लेक्स वेव। इसके बाद आप जैसे ही पेयर करेंगे आपको कुछ अलग अलग डिस्प्ले स्क्रीन्स आपके बैंड के ऊपर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिखाता हूँ इस बैंड के सारे स्क्रीन्स का। सबसे पहला जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन रहेगा टाइम, स्टेप्स और करंट टेम्परेचर का, प्लस मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और करंट वेदर कंडीशंस। मतलब अगर आपके एरिया में क्लाउडी वेदर है तो वो आपको वहीं पर क्लियरली दिख जाएंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे 3 सेकंड तक तो डिस्प्ले कम्प्लीटली वर्टिकल हो जाएगा और आप आराम से उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही वर्टिकल करोगे डिस्प्ले तो आपको दिखेगा टाइम, डेट और डे। अब हम बात करते हैं सेकंड डिस्प्ले स्क्रीन की। यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्टेंस, स्टेप्स और कैलोरी बर्न जो आपको एक प्रोग्रेस बार की तरह दिखेगा। थर्ड डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा मीटिंग्स और आपके गूगल कैलेंडर साथ जो भी आपके टास्क है वो आपको वहीं पर दिख जाएंगे। चौथे डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा टाइम, सेकंड सिटी टाइम, जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सेकंड सिटी जो भी आपका रहेगा वो आपको वहां पर दिखेगा। और उसके अलावा आपको दिखेगा डेट और डे। और जो फिफ्थ डिस्प्ले स्क्रीन है वहां पर आपको दिखेगा टाइम, स्टेप्स टेकन और सॉन्ग्स जो भी प्ले कर रहे हो। इसके बाद अगर आप सिक्स डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैमरा कंट्रोल का, जो मैं आपके आगे जाके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑप्शन फ्रंट और बैक कैमरा एक्सेस का, जिससे आप आराम से हैंड जेस्चर से आप एक फोटो ले सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ डिस्प्ले स्क्रीन की, जहाँ पर आपको दिखेगा एक बैटरी साइन, बैटरी परसेंटेज और एडवांस सेटिंग्स। और जैसे आप एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं आपको बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं बैंड के ऊपर ही। चलिए अब हम देखते हैं इस ऐप की तरफ जो ये स्मार्टफोन के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल UI है, जहाँ पर आपको सारे स्टेप्स काउंट दिखेंगे, गोल दिखेगा, एक्टिव टाइम, डिस्टेंस और कैलोरी बर्नड आपको क्लियरली मेंशन रहेगा। इसके अलावा आपको इस ऐप के अंदर मिलेगा आपका स्लीप डेटा और हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पिछले एक हफ्ते में, पिछले एक महीने में आपने कितना अपना फिटनेस कंटिन्यू किया, आपका प्रोग्रेस क्या है, ये सारा डेटा आपको अपने इस ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस ऐप के एडवांस ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपके एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएंगे, फर्मवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, फैक्ट्री रिसेट भी मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ऐप के अंदर ही मिल जाते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और वो है जेस्चर कंट्रोल। तो आप किस तरह से इस बैंड को जेस्चर्स के एक्सेस माध्यम से यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप छोटे छोटे टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग द कैमरा, मतलब आप किस तरह से सेल्फीज ले सकते हो इस बैंड के थ्रू। बेसिकली आप जब भी एक सेल्फी लेना चाहते हैं तो आपको जाना है अपने स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर आपको कैमरा ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा जाएगा रियर कैमरा या फ्रंट कैमरा। जैसे लेट्स से मुझे एक सेल्फी लेनी है तो मैं फोन को कहीं पर भी रख सकता हूँ और इसको एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको अपने बैंड के ऊपर सेलेक्ट करना है फ्रंट या रियर कैमरा। जैसे आपने सेलेक्ट किया लेट्स से फ्रंट कैमरा, तो आपके ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, टैप कीजिए, ऐप इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद आप जैसे ही अपने हाथ को रोटेट करते हैं तो वहां पर फोटो खींच दिया जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत ही आसानी से आप एक कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं और एक बहुत ही इजीली आप सेल्फीज या फिर रेयर कैमरा से फोटोज खींच सकते हैं। अब मैं चलिए बात करता हूँ म्यूजिक कंट्रोल के लिए। अगर आप म्यूजिक रेगुलरली सुनते हैं और आप गाना बदलना चाहते हैं, नॉर्मली होता है कि आपने फोन को आप अनलॉक करना है या फिर अपने फोन के अंदर जाके आपको ऑप्शन चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर इस बैंड के कारण बहुत ही ईजिली आप गाने को चेंज कर सकते हैं। आपके डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर जो भी होगा, जैसे मेरे केस में है गूगल प्ले म्यूजिक, आपको सिर्फ अपने हाथ को ट्विस्ट करना है। बेसिकली अगर आप
वर्टिकल फॉर्मेट में है, आपको हॉरिजॉन्टल में जाना है और वहां पर म्यूजिक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ट्रैक में स्विच हो जाएगी। मतलब प्रीवियस ट्रैक नेक्स्ट ट्रैक स्विच करने के लिए बहुत ही इजी ऑप्शंस यहां पर आपको जेस्चर्स के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप पीपीटी प्रेजेंटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यहां पर आप एक डेमो देख सकते हो, प्लस कुछ कॉल्स अगर आप म्यूट करना चाहते हो, जैसे आपको एक कॉल आ रहा है आपको म्यूट करना है, आपको अपने हाथ को सीधा सिर्फ उल्टे इस तरफ रखना है और वहां पर कॉल म्यूट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि ऑप्शंस आपको काम नहीं करेंगे अगर आपके फोन के ऊपर है एंड्रॉइड 8 और 8.1 फिलहाल के लिए। लेकिन ओवरऑल कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस फास्ट्रैक लेके आया है, जहां पर आप जेस्चर्स कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कीजिए अपने हाथ को ऊपर नीचे कीजिए और आप अपने छोटे मोटे टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेके आया है फास्ट्रैक, और यहां पर मेरा एक ही फीडबैक है कि प्रॉब्ली अगले जनरेशन के अंदर ये एटलीस्ट एक हार्ट रेट ट्रैकर दे दे अपने बैंड के अंदर, तो आई थिंक दैट वुड मेक अ परफेक्ट फिटनेस ट्रैकर। फिलहाल के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको ऑफर करता है फास्ट्रैक, जहां पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जेस्चर कंट्रोल का फीचर मिलता है और एक कंप्लीट ऐप है जिसके अंदर आप सारे डेटा को सेव भी कर सकते हैं। तो ये थे सारे फीचर्स फास्ट्रैक के लेटेस्ट बैंड के जो है रिफ्लेक्स वेव। और अब हम बात करते हैं छोटे से सरप्राइज की। दोस्तों यहां पर हम लेके आए हैं आपके लिए 5 फास्ट्रैक वेव ट्रैकर्स, और यहां पर अगर आपको जीतना है ये बैंड तो आपको बताना है कि ये सारे फीचर्स में से आप कौन सा वो फीचर है जो आप डेली यूज में यूज करना चाहते हो। हो सकता है इनका जेस्चर कंट्रोल फीचर, हो सकता है इनका स्लीप ट्रैकिंग, या फिर आपका रेगुलर फिटनेस डेटा। आप लोग कमेंट कीजिए आपका फेवरेट फीचर इस फिटनेस ट्रैकर का, और आप में से 5 लोग जीत सकते हैं ये फिटनेस ट्रैकर्स। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको अपना फेवरेट फीचर नीचे कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, और मैं रियली होप करूँ कि आप में से जो बेस्ट आंसर देगा, या फिर अगेन ऑब्वियसली ये रैंडम गिव अवे है, आप में से 5 लोग जीत जाएंगे ये लेटेस्ट फिटनेस ट्रैकर फास्ट्रैक की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं हूं अमित, मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।